वीसी साहब, KGAMU कितना तैयार है अपने बेड्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके, नंबर ऑफ बेड्स हम कितने मैक्सिमम दे पाएंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिस तरह की हमने कोविड की सेकेंड वेव में हमने देखा था, तो what are the preparations, how much we are prepared, and I want a statement from you. People should be relaxed that our health system is now all set to face any type of crisis like we have earlier faced in COVID. मेडिकल साइंस के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने जिस तरह से हम नए वायरसेस को फेस कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर आगे क्या प्रिपरेशन है और कैसे इसे हम प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं पब्लिक के लिए? कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था सारे देश में सब जगह एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। कोविड के टाइम पे उत्तर प्रदेश शासन ने हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सारे प्रदेश में एक सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल को बनाने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज़ को असिमिलेट करने के लिए, जिसको हमने बड़ी खूबी से निभाया। हाल में चाइना में एक फिर से एक कोविड का की बढ़ोतरी हुई है। BA.7 एक म्यूटेंट ओमिक्रॉन वायरस के बारे में बात करी जा रही है। कई देशों में इसमें थोड़ी काफ़ी हलचल मची है। ग्लोबली इसके बारे में बहुत बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके बारे में एक कॉशियस अप्रोच के लिए बताया है। उत्तर प्रदेश शासन ने भी हमें इसके लिए बताया है कि हमें इसको आगे कैसे बढ़ाना है। हमने KGMU में कुछ इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस पास करी हैं, जैसे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको हम सबको फिर से एक कुछ टाइम के लिए इकरार करना पड़ेगा। दूसरा, हम समझते हैं कि जहाँ भी क्राउडेड प्लेसेस हैं, जैसे चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, जहाँ भी क्राउड्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर मास्किंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन, मैं समझता हूँ कि ये एक जिन्होंने अपनी बूस्टर डोजेज नहीं ली हैं, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनको बूस्टर डोजेज लेनी बहुत ज़रूरी है। कई लोग लेस दैन 60 ईयर्स में भी लोगों ने सिर्फ एक डोज ली और दूसरी डोज नहीं ली, वो भी लेना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको अपनी इम्यूनिटी को ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो सीरो सर्विलेंस स्टडीज़ हमारे देश में हुई हैं उसमें ये हमको ये पता चला है कि 98% ऑफ हमारी सारी पॉपुलेशन को इम्यूनिटी की हर्ड इम्यूनिटी अच्छी है। एंड ये जो अभी जो चाइना में या कुछ US में, कुछ ब्राज़ील में, कोरिया, जापान में कुछ जो बात हो रही है इस BA.7 के बारे में, इसे हमें नहीं लगता कि इसमें इंडियन पॉपुलेशन को ज़्यादा खतरा होने की प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, निसंदेह इससे एक भरोसा, एक विश्वास हमारे लोगों में बनेगा कि लोग डरे नहीं, सावधान तो रहें लेकिन डरे बिल्कुल नहीं। VC साहब, KGAMU कितना तैयार है अपने बेड्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके, नंबर ऑफ़ बेड्स हम कितने मैक्सिमम दे पाएंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिस तरह की हमने कोविड की सेकेंड वेव में हमने देखा था, तो what are the preparations, how much we are prepared, and I want a statement from you. People should be relaxed that our health system is now all set to face any type of crisis like we have earlier faced in COVID. ये पिछले 3 साल में हमने काफ़ी प्रिपरेशन करी है। जैसा कि आपको मैंने बताया, हमने एक 1000 बेडेड कोविड हॉस्पिटल को चलाया एंड जिसमें हमारी करीब 480 ICU बेड्स थे एंड उसमें से करीब 260 वेंटिलेटर बेड्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी तैयारी कंप्लीट है एंड एट शॉर्ट नोटिस वी कैन स्विच टू अ डिज़ास्टर सेटिंग और हमें इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने की चांसेस नहीं हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे टेक्नीशियंस, सबको हमने टाइम टाइम से उनको ट्रेनिंग करी है। हमने
कोविड ख़त्म होने के बाद हमने एक और कार्रवाई शुरू करी। हमने अपने सारे टेक्नीशियंस, अपने नर्सेज, अपने ट्रेनीज सबको BLS और ATLS और बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्सेज करवाए हैं, जिससे कि सब लोग एटलीस्ट बेसिक केयर में सब माहिर हैं। तो मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि टू स्विच टू कोविड केयर देयर विल बी नो प्रॉब्लम एज फार एज KGMU इज कंसर्न्ड। निश्चित तौर पे हम धन्यवाद देंगे VC साहब को कि एक बड़ा भरोसा जनता के लिए आप दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे आपकी टीम और हमारा जो पूरा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनके दम पर हम सब लोग पहले भी लड़ाई लड़ चुके हैं और आगे भी इस लड़ाई को हम जीतेंगे। VC साहब, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, ICMR से हमारा किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हमारा क्या कोऑर्डिनेशन है, जो नए वायरस और बैक्टीरिया आ रहे हैं उनकी स्टडी को लेकर KGMU में हम किस लेवल पर हैं, लैब अच्छी अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरीज हमारे यहाँ स्थापित हो पा रही हैं, या जो एडवांस स्टडीज़ हो रही हैं दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में, US में, जापान में, चाइना में, या और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनको हम मानते हैं कि उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे आगे है, वो हमसे कुछ दशक आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, तो हमारी जो दौड़ है क्या हम धीरे धीरे उनको चेस कर रहे हैं या हम उन्हें डिफीट करके आगे जा पा रहे हैं, क्योंकि KGMU एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पूरे देश का, तो KGMU की तरफ लोग बड़ी आशा भरी निगाह से देखते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में भी हम लीड करें। जैसा कि आपको मालूम है, कोविड टाइम पे हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक या दो लेबॉरेटरीज थी जहाँ पर RT-PCR होता था। ICMR ने हम KGMU को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम RT-PCR की लेबॉरेटरी सारे प्रदेश में इस्टेब्लिश करें। हमने 250 लेबॉरेटरीज़ में RT-PCR की का को इस्टेब्लिश करवाया, उनको इस्टेब्लिश ही नहीं, उनके सारे इक्विपमेंट को स्टैंडर्डाइज कराया और उनको जाके ट्रेनिंग दी। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने में एक रिकॉर्ड है। हमारे यूनिवर्सिटी में इस समय सारे प्रदेश में BHU और KGMU सिर्फ दो जगह हैं जहाँ पर NGS जीन सीक्वेंसिंग होती है इस वायरस की, एंड ये हम इस समय हम इसको बखूबी इसको निभा रहे हैं, एंड जो भी अभी हमारे पास जो कोविड केसेस पॉजिटिव आते हैं उनकी सीक्वेंसिंग हमारे लेबॉरेटरी में होती है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे पास इसकी BSL-3 लेबॉरेटरी है एंड बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी एज फार एज सीक्वेंसिंग इज कंसर्न्ड, एंड ये एक यूनिक कैपेबिलिटी हमने डेवलप करी है ICMR की बदौलत। एंड हमारे पास, जैसा कि आपने पूछा, कोलैबोरेशंस, हमारे पास बहुत ICMR कोलैबोरेशंस, DST कोलैबोरेशंस और बहुत सारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, जिससे हम माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूनोटिक डिजीज़, डिफरेंट न्यूअर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगाई की रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस रिसर्च प्लेटफॉर्म पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च के लिए जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आई थिंक KGMU इज़ नियरली द टॉप एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड। इट्स रियली ग्रेट दैट KGMU स्टॉप, एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू विश कि KGMU लगातार वैश्विक जो मानक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में, ये इतना पुराना संस्थान है जिसने कई जनरेशन्स को सर्व किया है हिंदुस्तान की, और कई जनरेशन्स यहाँ मेडिकल की ट्रेनिंग लेके अलग अलग फील्ड में पूरे देश दुनिया में निकल चुकी हैं। तो इस संस्थान को जितना ही बेहतर बनाया जाएगा उतना ही देश की जनसंख्या, प्रदेश की जनसंख्या को फ़ायदा होगा। हम बधाई देंगे लेफ्टिनेंट जनरल साहब को जिनके नेतृत्व में ये विश्वविद्यालय लगातार आगे बढ़ रहा है, और कोविड को लेकर जिस तरह से मीडिया में खबरें आई हैं लोगों में कुछ चिंता है, लेकिन लोगों को निश्चिंत रहना होगा क्योंकि हमारे कोविड वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स और हमारे KGMU जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे देश में वो पूरी तरह से गंभीर हैं आपकी सुरक्षा के लिए। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।